गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक काइनेमेटिक्स पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक लिया गया है यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म इसको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या लिखना पड़ेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एंड सेकेंड है इसी का इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन थ्रू आउट द मोशन इफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ए का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट बताइए? कांस्टेंट होता है, सिंपल सा मीनिंग होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसके एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे मोशन को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि ए को हम लोग लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीटी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट देखिए, कॉन्स्टेंट। क्या होता है? ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन को डिराइव करते हैं, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट बाय कैलकुलस एंड सेकेंड बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बाय कैलकुलस। वी नो डैट फर्स्ट के लिए एक वस्तु कितना होता है देखिए, डीवी अपॉन डी टी। हेयर ए को क्या एज्यूम किया गया देखिए, ए है मेरा कॉन्स्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए डीवी इक्वल टू बन जाएगा ए इंटू में डी टी। जीरो समय पे मान लेते हैं इसकी स्पीड रहा होगा यू एंड टी समय पे इसका स्पीड हो गया होगा कितना? वी। इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो डीवी का इंटीग्रेशन वी यू से लेके वी तक इक्वल टू ए को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर करो डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट जीरो टू कितना? टी।
तो फाइनल जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा कितना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इस वी को स्टूडेंट्स हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, देखिए v इंटू डी टी। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ v, तो वैल्यू ऑफ v कितना हो जाएगा, u प्लस का at। इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करते हैं t इक्वल टू जीरो पे, इसके पास डिस्प्लेसमेंट है जीरो, और t इक्वल टू टी समय पे डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना s, तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x लिमिट जीरो से लेके s तक इक्वल टू u t का हो गया t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिमिट जीरो से लेके कितना तक टी तक। आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट वी गेट द वैल्यू ऑफ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या रहा है स्टूडेंट, देखे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स एस का मतलब क्या है, देखे डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कंप्लीट करते हैं थर्ड इक्वेशन वी नो डैट ए इक्वल्स टू dv upon dt. If we multiply numerator and denominator with the value dx upon dx, after simplification we write it as dv upon dx into dx upon kitna dt. We know that dx upon dt is velocity, so v into dv upon dx equals to kitna idhar students dekhe a. यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा v इंटू डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट था तो स्पीड था u, एंड s डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड हो गया कितना v, v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर अपॉन टू लिमिट u टू v इक्वल टू a को बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया x और लिमिट जीरो टू s। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। तो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने
फर्स्ट पॉइंट ए में इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड से हमने इसको डेरिवेशन किया. ओके, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन का डेरिवेशन विथ ग्राफिकल अप्रोच. तो बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है. ये ग्राफ दिया हुआ है, टी इक्वल टू जीरो पे स्पीड है यू एंड टी इक्वल टू टी समय पे मान लेते हैं इसके पास स्पीड है कितना, देखिए ये स्पीड मान लेते हैं वी. ये जो गैप है स्टूडेंट्स इस गैप को हम लोग लिख सकते हैं वी माइनस कितना यू. हम लोग स्टूडेंट्स वी नो डैट फर्स्ट पॉइंट वी नो डैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट क्या होता है स्टूडेंट देखिए एक्सेलरेशन होता है. तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू स्टूडेंट्स ए इक्वल टू वी माइनस यू क्योंकि ये रहा है स्लोप, स्लोप रहा है वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी माइनस जीरो क्योंकि ये वैल्यू कितना है स्टूडेंट देखिए टी रहा तो टी माइनस जीरो तो डिवाइडेड बाई टी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी माइनस यू. तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस का ए इंटू में टी. ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या रहा स्टूडेंट देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं वी नो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एज्यूम करेंगे एस और इस कंप्लीट फिगर का हम लोग क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे. तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रैपिज्म. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपिज्म. एरिया ऑफ ट्रैपिज्म होता है क्या स्टूडेंट्स बताइए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द गिवन ट्रैपिज्म. तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स स्टूडेंट्स देख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया ये रहा v और ये रहा u. तो u प्लस का कितना v क्योंकि ये पूरा हाइट कितना है v है तो u प्लस का v. तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया u प्लस का v इंटू में हाइट. इसका हाइट देखिए स्टूडेंट्स कितना है ये रहा हाइट कितना t. तो हाइट हो गया कितना स्टूडेंट देखिए हाइट हो गया t. अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है v का. तो u प्लस v का वैल्यू हो जाएगा u प्लस का ए टी इंटू में टी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें निकल के आएगा 1/2 2u प्लस का a इंटू टी. जब आप इसे स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा u एक यहाँ पे बाहर में t है तो यू टी प्लस 1/2 a t square. यू टी प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 a t square. ये रहा स्टूडेंट्स हमारा ग्राफिकल अप्रोच से सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस का डेरिवेशन. ओके, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं थर्ड. वी नो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि ए जो होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी यानी यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टी. यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टी. यदि स्टूडेंट्स हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ए टी क्वेश्चन क्या हो जाएगा यू प्लस का वी.
यू प्लस का वी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चाहते हैं कि टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, तो टी का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, देखिए टी का वैल्यू हो जाएगा वी माइनस यू। आप यहाँ से देख सकते हो टी का वैल्यू कितना होगा, ए इक्वल टू होता है वी इक्वल टू होता है ये एस होना चाहिए था, एस इक्वल टू इसको क्या लिखते हैं एस। एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय यानी वी प्लस यू डिवाइडेड बाय टी, तो एस टी इक्वल टू यू प्लस का वी। वी नो डैट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस का ए टी। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग टी अगर निकालते हैं तो बनेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें इस t के जगह पे, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो एवरेज स्पीड ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। एवरेज स्पीड हो जाएगा वी प्लस यू बाई टू इंटू में टी इक्वल्स टू एस। वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स टी का, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा वी प्लस का यू डिवाइडेड बाई टू इंटू में v माइनस का u डिवाइडेड बाई a। अब 2a को इधर भेज देते हैं तो 2a s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू वी माइनस का u। अब ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है देखिए 2s। फाइनली स्टूडेंट्स ये जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2a s। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2a s। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बाय यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच एंड कैलकुलस अप्रोच की हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के तीनों इक्वेशंस को ड्राइव किया। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स जो हमारा फार्मूला निकल के आया है वो है क्या, सबसे पहला वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस। साथ साथ स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू क्या निकल के आया, देखिए वी प्लस यू बाई टू इंटू में टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी इंटू में टाइम इक्वल टू एस। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है, जहाँ पे स्टूडेंट्स इन सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है। वी क्वेश्चन हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, यू को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, ए को बोला जाता है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन भी कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होना चाहिए, एंड एस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। एंड टी को क्या बोला जाता है टाइम, टी को क्या बोला जाता है टाइम, टी को बोला जाता है टाइम। टी को बोला जाता है टाइम। अब इसके स्टूडेंट्स कुछ नोट पॉइंट होते हैं, तो नोट का स्टूडेंट्स हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट होता है टेक द साइन ऑफ दिस वैल्यू एज,
यदि स्टूडेंट्स मोशन हमारा राइट डायरेक्शन में है तो टेक पॉजिटिव साइन, यदि स्टूडेंट्स मोशन हमारा लेफ्ट साइड में है तो टेक दिस वैल्यूज एज नेगेटिव साइन। ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन यू इक्वल टू टेक जीरो वैल्यू, यू इक्वल टू टेक जीरो वैल्यू। थर्ड पॉइंट, इफ पार्टिकल स्टॉप्स टेक वैल्यू ऑफ वी टेक वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू जीरो। फोर्थ पॉइंट, इफ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शन देन distance equal to magnitude of displacement। Okay, yes students, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका क्वेश्चन बनाते समय हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड means distance या displacement of particle, displacement of particle from n minus 1th second to n minus 1th second to nth n minus 1 second to n second। मान लीजिए एक लाइन है t equal to 0, t equal to 1, t equal to 2, t equal to 3 and dot dot dot, here are t equals to yes sub time hai, the t equals to n minus 1, ye raha t equals to n, ye jo distance hai students isi distance ko students hum log kehte hain distance covered in nth second, to distance covered in nth second students answer ho gaya total distance in n second minus total distance in n minus 1 second, isko equation number kya maan lete hain first। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड में स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट निकालना, यानी sn इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हम लोग t की जगह n पुट कर लेते हैं तो u इंटू n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट।
पीछे तो फर्स्ट माने थे, इसको माने थे इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड। अब हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एन माइनस वन सेकेंड। तो एस एन माइनस वन जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना है देखिए सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट से स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एस एन एथ इक्वल टू हो जाएगा एस एन माइनस का एस एन माइनस वन। एस एन कितना है स्टूडेंट देखे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू ऑफ एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसे स्टूडेंट्स जब हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए कितना बनता है यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू प्लस यानी माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यू एन से यू एन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर से ये हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब फाइनली यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा बच रहा है यू प्लस ए एन माइनस का हाफ ए, ये रहा स्टूडेंट्स यू। यदि इन दोनों वैल्यूज में से हम लोग क्या करते हैं ए बाई टू को कॉमन करते हैं, तो ए बाई टू कॉमन करने के बाद ये बनेगा टू एन माइनस का वन। ये रहा स्टूडेंट्स डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला निकल गया वो हो गया u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब